मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 21 ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब डेली 21 ब्लॉग्स बनाते बनाते पता ही नहीं चला कब 21 दिन हो गए पूरे ब्लॉग्स को बनाते बनाते, और आदत भी पड़ चुकी है डेली ब्लॉगिंग करने की। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह छत पे करते हैं, और आज थोड़ा उठने में डिले हो गया था। तो डेली का रूटीन यही है कि सुबह उठो, आराम से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, बस उसके बाद अपना डेली का रूटीन हो जाता है। डेली धूप दे देती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा जमा हो गया है। यहाँ से डालकर इसमें डाल देते हैं ताकि यहाँ पर साफ सुथरा बना रहे। सो गाइस, मैं आजकल कह रहा था आपसे कि आजकल के दिन ख़राब चल रहे हैं, और वाकई बहुत ही ज़्यादा दिन ख़राब चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मेरा घर का कूलर ख़राब हुआ, फिर इन्वर्टर ख़राब हुआ, फिर मेरे छोटे भाई का फ़ोन ख़राब हो गया, और कल गुस्से में ये लैपटॉप भी मेरे से एक पंच मारा मैंने, ये भी शायद चल नहीं रहा है, बिल्कुल सर्कल ही सर्कल घूमता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। कुछ काम कर रहा था तो हो नहीं पा रहा था, बिल्कुल गुस्सा आ गया, तो उस पर थोड़ा बहुत पैसे पंच मार दिया मैंने, और ये भी अटक गया है, और शायद मेरे ख्याल से अब ये भी खर्चा मांगने की तैयारी में है। तो अगर इसने अब खर्चा मांगा तो मैं इसको बेच दूंगा या फिर नया ही परचेज़ कर लूँगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद मैं नया लेने की सोच ही रहा था वैसे भी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। 2016 का मॉडल है, i3 है, तो काफ़ी दैन खींच भी लिए इसने, और 4-5 हज़ार रुपये तो वैसे भी इसमें ऑलरेडी मैं खर्चा कर चुका हूँ। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, नहीं चलेगा तो साले को बेच डालेंगे या फिर मैं दूसरा परचेस कर लूँगा। फाइनली आज हमें जो होगा 21 दिन पूरे हो जाएंगे, मतलब डेली मुझे ब्लॉग्स करते करते 21 दिन हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भैया 21 डेज तक मैं कैसे ब्लॉग कर पाऊँगा, क्या बनाऊँगा, क्या डालूँगा, कैसे डालूँगा। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग काफ़ी टाइम से करता ही रहा था इस चैनल पर, लगभग मैं 2018 से वीडियोज़ डाल रहा था, लेकिन कभी महीने में कभी 6 महीने में कुछ एक्टिव नहीं रहता था बराबर टाइम से, और ना ही मुझे ये कभी सोचने का मौका मिला कि भैया इसमें ब्लॉगिंग करनी कैसे है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। अब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, हालांकि व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी बोलने की स्किल्स है वो जाके आगे कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है, कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पे बेसिकली आपका एक्सपीरियंस ही मायने रखता है आगे चलकर क्या क्या आपको होगा। कई लोग तो होते हैं बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनमें से हम हैं जो स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं। इसका बात खुशी है कि मैंने भैया 21 डेज तक कंटिन्यू ब्लॉगिंग किया है, बिना स्टॉप बिना रुके डेली हर दिन एक एक ब्लॉग किया है। ठीक है, ये हालत हो गई इसकी कि बस ये चरखा जो है ये घूमता जा रहा है बस। ये देखिए इसमें ऐसा आने लग गया है, और मुझे लगता है मुझे रिपेयरिंग सेंटर जाकर ही इसको दिखवाना पड़ेगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था भैया लैपटॉप खर्चा मांगने वाला है, और इसने मांग लिया है। इसकी बत्ती गुल हो गई है, बिल्कुल ओपन भी नहीं हो रहा है, और हार्ड ड्राइव कुछ इंस्टॉल अनइंस्टॉल बता रहा है, शायद कुछ हो सकता है कुछ फंक्शनिंग वगैरह या फिर विंडोज़ वगैरह उड़ गई है, वो भी चेक करवा लेते हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम आई है। इसको अभी मार्केट जाके दिखाता हूँ, क्योंकि लैपटॉप बिना काम नहीं चलता है। अगर आप ऑनलाइन में काम करें तो आपके लिए लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि मुझे आदत पड़ गई है लैपटॉप की, इतना मैं काम भी नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऑनलाइन वर्किंग वगैरह जैसे कि वेबसाइट का काम है लैपटॉप पे करता हूँ, और SEO वगैरह यूट्यूब पे इजी हो जाता करने के लिए, तो इसलिए मैं इसमें करता हूँ। मल्टीटास्किंग के तौर पर हो जाता है, मोबाइल में इतना फास्टली नहीं हो पाता, लेकिन ज़्यादातर जो एडिटिंग होती है सारी मोबाइल पे ही मैं करता हूँ। तो चलते हैं मार्केट तक, थोड़ा इसके भी दिखा लेंगे, आज का थोड़ा और काम भी है, फिर से धूप में सड़ना पड़ेगा, बहुत ही गंदी धूप पड़ रही। कल तो मैं गया था पूरा, मतलब चक्कर आ गए थे यार धूप में, बिल्कुल दुकान पे भी टाइम नहीं मिला बैठने का, सर दर्द हो रहा था, आंखों में दर्द हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में चलते हैं, और इसको बनाना तो है ही ज़रूरी है, तो फिलहाल इसको बना लेंगे, फिर मार्केट निकलते हैं अपना फटाफट से, इसको दिखा के फिर वापस आ जाएंगे। ये इसकी हार्ड डिस्क है, ये 256 GB।
सो गाइस अपन वापस आ गए हैं, लैपटॉप दे दिया है। एक्चुअली जो मेरे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो शायद क्रैश हो गई है, लैपटॉप उठा नहीं पा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको रिप्लेस करके दूसरा ही लैपटॉप ले लेता हूँ। और मीनू का लैपटॉप भी आया है, लेकिन इसमें जो है पूरा बोर्ड ख़राब हो गया, मतलब मदरबोर्ड जो गया है, और 10,000 रुपये का मिनिमम खर्चा जो है वो दिखा रहा था। लेकिन इसको भी कुछ समय के बाद मैं रिप्लेस कर दूंगा, हार्ड डिस्क वगैरह तो बिल्कुल ओके हो गई, इसका डाटा निकाल के मैं अपने दूसरे लैपटॉप में डाल दूंगा। आजकल के दिन इसीलिए ख़राब चल रहे हैं भैया, खर्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं मतलब बहुत। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में फिलहाल इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग्स पसंद आए होगा आपको और हमारे खर्चे भी पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ब्लॉग्स पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर।